एवरीवन, वेलकम टू पूजा लाइफस्टाइल एसेंस। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज टू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट साड़ी। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो इंडिगो साड़ी है उसे आप टॉप और ब्लाउज के साथ कैसे स्टाइल कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये फर्स्ट टॉप जो है नेवी ब्लू कलर में और ये पेपलम स्टाइल में है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास आपके वार्डरोब में कोई भी पेपलम स्टाइल में टॉप है तो आप उसे पेयरअप कर सकते हैं इंडिगो साड़ी के साथ। और यहाँ पे ये एडजस्टेबल है, सो मैंने इसे एडजस्ट करके काफ़ी अच्छी फिटिंग में करके मैंने इस ब्लाउज़ को स्टाइल किया है। और ये बैक साइड से इस तरीके से है। सो अगर आपके पास इस तरीके का कोई भी टॉप है तो आप उसे स्टाइल कर सकते हैं। कर लेते हैं नेक्स्ट ब्लाउज की। सो नेक्स्ट ब्लाउज है येलो कलर में। यहाँ पे मैं छोटा सा टिप भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप कोई भी साड़ी है जो प्रिंटेड है, प्रिंटेड साड़ी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि प्लेन ब्लाउज ही हम यूज़ करें। बट यहाँ पर मैंने इस प्रिंटेड ब्लाउज को यूज़ किया है क्योंकि आप प्रिंटेड ब्लाउज यूज़ कर सकते हैं बट उसकी जो प्रिंट होती है वो बहुत ही स्मॉल प्रिंट होनी चाहिए। बहुत ऐसे बड़े भारी भरकम वाले प्रिंट आप बिल्कुल यूज़ मत कीजिए प्रिंटेड साड़ी के लिए। ये छोटा सा टिप है, आप इस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। सो मैंने सिर्फ एक ही ब्लाउज यूज़ किया है इंडिगो साड़ी को स्टाइल करने के लिए। अदर देन दिस मैंने सारे टॉप्स यूज़ किए हैं जो हम लोग नॉर्मली जीन्स या फिर किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल करते हैं। और ये बोट नेक में है, इसका भी काफ़ी अच्छा लुक आया है। ये बैक साइड से इस तरीके से दिखता है। सो अगर आपके पास ऐसा कोई भी ब्लाउज है येलो में तो आप उसे स्टाइल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं थर्ड टॉप की। सो ये जो मेरा थर्ड टॉप है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्टाइलिश है। इसका जो नेक है ये टर्टल नेक होता है, उस तरीके से भी आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पे बटन्स है, आप इसे बटन्स लगा के इस तरीके से टर्टल नेक में स्टाइल कर सकते हैं। प्लस इसको कॉलर बोन स्टाइल में भी आप इसे कर सकते हैं इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने किया है। इसका कलर काफ़ी अच्छा जा रहा था मेरी साड़ी के साथ और बहुत अच्छा लग रहा था पहनने के बाद। सो मैंने इसे स्टाइल किया है। अगर आपके पास ऐसा कोई टॉप है तो आप ही उसके साथ स्टाइल कर सकते हैं। करने वाली हूँ फोर्थ वन, वाइट। जब भी हम इंडिगो साड़ी स्टाइल कर रहे हैं और वाइट ना हो ब्लाउज तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है कि बहुत ही कॉमन हो गया है वाइट टॉप के साथ कोई भी साड़ी को हम स्टाइल करते हैं। जैसे कि इंडिगो साड़ी को मैंने भी सोचा था कि वाइट टॉप के साथ मैं स्टाइल करूँगी, बट आप क्रॉप टॉप वाइट टी शर्ट के साथ स्टाइल कर सकते हैं। बट क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही कॉमन है तो मैंने कुछ थोड़ा वाइट कलर में मुझे कुछ यूनिक ट्राई करना था और मैंने खुद से इस चीज़ को स्टाइल किया। मैंने इस इनर को यूज़ किया, मैं इस इनर को यूज़ कर रही थी तो मुझे थोड़ा सा ये शियर लग रहा था। तो ये जब शियर लग रहा था तो मैंने मेरे वार्डरोब भी चेक किया और मुझे ये एक चीज़ मिल गई। सो मैंने इस चीज़ को इस इनर के ऊपर डाल के स्टाइल किया। सो शियर भी नहीं था और मुझे एक यूनिक पैटर्न भी मिल गया। तो इस तरीके से आप भी स्टाइल कर सकते हैं। प्लीज़ चेक और वार्डरोब, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएंगी।
अब हम बात कर लेते हैं लास्ट वन। इसके साथ मैं नहीं स्टाइल करने वाली थी, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इस टी शर्ट के साथ मैंने क्यों स्टाइल किया। बिकॉज ऑफ कलर, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो इंडिगो साड़ी है वो मेरी वो यू नो इस कलर के ब्लाउज़ के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। सो मैंने इसे लास्ट में ट्राई कर लिया और डेफिनेटली बहुत अच्छा लुक क्रिएट हुआ था इस टॉप के साथ, इस टी शर्ट के साथ, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। सो आप भी चेक कीजिए और स्टाइल कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे एक चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने मेरी इंडिगो साड़ी के साथ इतने सारे टॉप्स और ब्लाउज़ को क्यों स्टाइल किया, क्योंकि यू नो जब हम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साड़ी डेली वेयर करते हैं, तो वो जो साड़ी के साथ अटैच्ड ब्लाउज आता है वो उसे स्टिच करवा सकते हैं और उसके साथ पेयरअप कर सकते हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी कभी साड़ी को स्टाइल करते हैं, सो यू नो जो साड़ी के साथ अटैच्ड ब्लाउज आता है उसे स्टिच कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम उसे एक बार स्टाइल कर सकते हैं सिर्फ। बट इन टॉप्स और ब्लाउजेस के साथ आप बहुत बार ही डिफरेंट स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, एक यूनिक स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं विथ वन साड़ी ओनली। सो यहाँ पे मैं छोटा सा टिप शेयर करना चाहती हूँ गाइस कि जब भी हम इंडिगो साड़ी को वेयर करते हैं तो उसके साथ सिल्वर ज्वेलरी को पेयरअप करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि ज्वेलरी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं और हमें एक स्टाइलिंग और यू नो एक एलिगेंट लुक प्रोवाइड करते हैं। सो जिसमें आप बहुत ही स्मार्टली बहुत ही कम बजट में एक अच्छा और एलिगेंट लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो गो विथ सिल्वर ज्वेलरी, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा चल रहा है। सो मैंने भी उसे स्टाइल किया था सिल्वर बैंगल्स के साथ, सिल्वर यू नो नेकलेस, सिल्वर ईयरिंग्स एंड सिल्वर रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नोज पिन भी आप यूज़ कर सकते हैं सिल्वर की। मैं भी स्टाइल करना चाहती थी बट अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गई और फिर मैंने नहीं किया, बट मैं आप लोगों को ये टिप दे रही हूँ, आप इस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं कि जब भी आप कोई इंडिगो साड़ी वेयर करें तो ट्राई करें कि आप यू नो न्यूड सैंडल यूज़ करें, क्योंकि न्यूड सैंडल पहनने की वजह से और अच्छा लुक क्रिएट होता है, एक क्लासी और एलिगेंट लुक क्रिएट होता है, कुछ भी चीज़ें मिसमैच नहीं होती हैं और बहुत अच्छे से हम एक अच्छा फाइन लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो ये रहा मेरा स्टाइलिंग टिप गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं और भी ऐसे स्टाइलिंग टिप्स के साथ वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून। बाय गाइज़।